क्या आप जानते हैं शब-ए-कदर, जिसे हम लैलतुल कदर भी कहते हैं, ऐसी मुकद्दस और कीमती रात है जब पहली बार कुरान मजीद, जिसे आज पूरी दुनिया के मुसलमान हिदायत का जरिया बताते हैं, आसमान से दुनिया पर नाजिल किया गया। और कुरान के पहले अल्फाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर हुए थे। ये कोई मामूली रात नहीं है, इस रात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और फरिश्ते हर काम पर अल्लाह ताला की इजाज़त से नाजिल होते हैं। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों से कहते हैं कि जितना चाहो उतनी दुआएं मांगो, क्योंकि हर मांगी जाने वाली दुआ कबूल होने वाली है। शब-ए-कदर की रात को दुआ मांगना हजार माह की रातों से बेहतर है, और इस रात की बरकत से इसकी अहमियत ज़्यादा होती है। मुसलमानों को यकीन है कि लैलतुल कदर खुदा की बरकतों और रहमतों के साथ आती है। इस शब-ए-कदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। अजीज़ों के लिए दुआ मांगने के अलावा उन लोगों के लिए भी दुआ मांगे जो कम सर्फ और मोहताज है, और अपनी दीनी फराइज के नाम पर उनकी मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस शब-ए-कदर हमारी हर मांगी गई दुआ को कबूल फरमाए। आमीन।